हेलो सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम आज आपको इम्पोर्टेंट जो कोविड-19 के कारण चर्चित है मंत्रालय, उन सभी मंत्रालयों के बारे में बात करेंगे, मोदी की कैबिनेट के बारे में बात करेंगे और जो कोविड-19 के कारण चर्चा में है, सुर्खियों में रहे, ये इन जितने भी जो मंत्रालय हैं उनके मंत्री कौन है, ये हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और दोस्तों आज हम 2 मिनट के अंदर अभी याद करेंगे और एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो 101% आपको अच्छी तरीके से ये मंत्रालय याद हो जाएगा। अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम ताकि कभी वापस भूल नहीं पाएंगे। तो हम आज जो सुर्खियों में रहे हैं मंत्रालय हैं हमारे, अभी उन सभी मंत्रालयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय जो है वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्हीं के पास रहता है। तो अंतरिक्ष मंत्रालय है और परमाणु ऊर्जा विभाग, ये तो है नरेंद्र मोदी, किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है। ये हमारे जो है गुजराती दिमाग नरेंद्र मोदी जी के पास है। पीएम के पास होता है अंतरिक्ष मंत्रालय, जिसमें अंतरिक्ष के प्रेक्षण होते हैं, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसके बाद में चलते हैं हम गृह मंत्री। तो गृह मंत्री आपको पता है कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह, इसको याद कैसे रखेंगे हम? आपको पता है घर में कौन रहता है? घर में भाई रहता है। घर में भाई रहता है तो अमित शाह को क्या बोलते हैं? हम भाई बोलते हैं, या तो मोटा भाई बोलते हैं या अमित भाई बोलते हैं। तो भाई कहाँ पर रहेगा? घर में रहेगा। तो ये जो भाई है वो भाई कहाँ पर रहेगा? घर के अंदर रहेगा। तो गृह मंत्री कौन हो गया? अमित शाह। अमित भाई या मोटा भाई जो है वो कहाँ रहता है? हमेशा घर में मिलता है। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसके बाद में चलते हैं रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। हमारी रक्षा जो है, प्रजा की रक्षा कौन करता है? राजा करता है। तो रक्षा मंत्रालय कौन? रक्षा मंत्री जो है वो कौन हो गया? हमारा राजनाथ सिंह। राज से आपको राजा याद हो जाएगा और राजा रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करता है? राजा करता है। तो रक्षा मंत्री हो गया राजनाथ सिंह। इसके बाद में चलते हैं वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, इसको कैसे याद रखोगे? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का क्या कार्य होता है? घर के अंदर पैसों का लेन देन करना और करना, बजट पास करना। तो पैसों का घर में, आपको पता है घर में पैसों का लेन देन कौन करता है? घर की लेडीज करती है। तो यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा सीधा सा कि जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। क्योंकि घर में पैसों का लेन देन लेडीज करती है और निर्मला सीतारमण जो है हमारे वित्त मंत्री है हाल ही के अंदर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहली है आपके, पहली लेडीज जो है वो वित्त मंत्रालय है और पहला अभी बजट घोषित किया था श्री निर्मला सीतारमण। सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करते हैं तो सड़क परिवहन मंत्रालय के अंदर आपके आएगा नितिन गडकरी। कौन है मंत्री? नितिन गडकरी। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? आपको पता है सड़क परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, इसमें देखो नितिन गडकरी, गडकरी नाम आ रहा है, गड करी का कार, इसका मतलब गाड़ी और कार। गाड़ी और कार कहाँ चलती है? सड़क पर चलती है। तो सड़क और परिवहन मंत्रालय जो है वो किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है। इसके बाद में चलते हैं विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है? श्री सुब्रमण्यम जयशंकर है। कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। तो दोस्तों विदेश मंत्री जो है वो कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। इससे आपको कैसे याद रहेगा? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम को गौर से देखेंगे तो सुब्रमण्यम नाम हमारा भ्रमण, भ्रमण कौन करता है? देश विदेशों का भ्रमण जो है विदेश मंत्री करता है। तो विदेश मंत्री कौन हो गया? सुब्रमण्यम जयशंकर हो गया। या इसको एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं कि शंकर नाम आ रहा है इसमें, जयशंकर नाम आ रहा है। तो शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत कहाँ पर? नेपाल के अंदर है। नेपाल कहाँ है? हमारे देश से बाहर है, विदेश में है नेपाल। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भगवान शिव शंकर जो है वो कहाँ है? विदेश में है, नेपाल में है। तो जयशंकर जो है वो कौन हो गया? विदेश मंत्री हो गए। तो सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला के पास होता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती स्मृति, स्मृति जुबिल ईरानी के पास है। स्मृति जुबिल ईरानी। तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती स्मृति जुबिल ईरानी के पास है। क्योंकि ये आपको पता है महिला है तो महिला के पास रहेगा, स्मृति जुबिल ईरानी के पास। इसके बाद में हम आगे चलते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य वर्धन, आपने नाम सुना होगा स्वास्थ्य वर्धन। वर्धन का मतलब होता है खुशी होना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमें खुशी होगी। तो स्वास्थ्य वर्धन मतलब हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन।
ये अभी COVID-19 के कारण बहुत ही चर्चित है दोस्तों। आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। स्वास्थ्य वर्धन से आपको याद आ जाएगा, स्वास्थ्य वर्धन से आपको याद आ जाएगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके बाद में आता है उपभोक्ता मामला मंत्रालय भी हाल ही के अंदर बहुत ही चर्चित है। उपभोग, आपने एक नाम सुना होगा भोगविलास का आटा आता है, भोगविलास का आटा आता है, और नहीं खाया तो आप जरूर खाएं, भोगविलास का आटा आता है। तो भोगविलास आपको याद हो जाएगा रामविलास पासवान, भोगविलास का आटा आता है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान कैसे याद होगा दोस्तों, उपभोग भोगविलास का आटा आता है, तो रामविलास पासवान, इसमें देखो विलास आ रहा है, तो भोगविलास मतलब भोग, जो भी खाना वगैरह है इनका उपभोक्ता मामला के अंदर सारे आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा सीधा ही कि उपभोक्ता मामला जो मंत्रालय है वो किसके पास है, रामविलास पासवान के पास है। इसके आगे चलते हैं हम कृषि मंत्रालय के अंदर चलते हैं हम। कृषि मंत्री जो है हमारे कौन है, वो है आपके नरेंद्र सिंह तोमर। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, कृषि मंत्रालय हमारे जो भारत के किसान है उनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, किसान जो है वो मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं। तो मर, इसमें तो मर के अंदर क्या शब्द आ रहा है, मर शब्द आ रहा है, तो किसान क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो मर आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब भी कृषि मंत्रालय का नाम आएगा तो आपको तोमर याद आ जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मंत्रालय किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। आगे चलते हैं कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है, रविशंकर प्रसाद के पास है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक है, कानून एवं न्याय मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास है। आपको पता है अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में यदि कानून का आप उल्लंघन करोगे, बाहर निकलोगे, तो आपको पता है क्या मिल सकता है, प्रसाद मिल सकता है दोस्तों, कोई भी लॉकडाउन से बाहर ना निकले। आपको पता है अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप कानून का उल्लंघन करोगे, बाहर निकलोगे, तो आपको क्या मिल सकता है, प्रसाद मिल सकता है। तो रविशंकर प्रसाद, जो कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है, रविशंकर प्रसाद के पास है। इसके आगे चलते हैं मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी आपको याद रखना है, मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास है, और यही हमारे शिक्षा मंत्री है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इन्होंने हाल ही के अंदर अभी कक्षा 6 और 8 तथा 1 से 5 तक के लिए एक नया शेड्यूल जो है उनकी अभी घोषणा की है। इसके बाद में आता है जनजाति मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। आपको पता है जनजाति जो है वो वनों के अंदर, बाहर वनों में पाई जाती है जनजाति है, जो जाति है, तो उसमें आपको पता है अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन कहाँ थे, महाभारत के अर्जुन जो थे वो वनों के अंदर फिर रहे थे, तो अर्जुन से आपको याद आ जाएगा कौन है, अर्जुन मुंडा जो है वो क्या है, जनजाति मंत्री है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम पर्यावरण वन मंत्रालय की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर्यावरण नाम आ रहा है, पर्यावरण नाम से आपको पता चलता है पर्यावरण के अंदर एक प्रक्रिया होती है, वन के अंदर एक प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधे भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आपको यहाँ पर्यावरण नाम जो है देखते ही आपको याद आ जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। आपको यहाँ से याद आ जाएगा पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है, प्रकाश, यहाँ शब्द दिखेगा प्रकाश, पर्यावरण के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर के पास है। इसके बाद में चलते हैं रेल मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। यहाँ से एक शब्द दिख रहा है आपको गोयल शब्द से आपको रेल मंत्रालय पीयूष गोयल याद रह जाएगा, रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास, गोयल शब्द को अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है आपको, गो रेल। तो आपको यहाँ से क्या याद हो जाएगा, रेल मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। इसके बाद में कोयला मंत्रालय की बात करते हैं, तो कोयला मंत्रालय किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, कभी नहीं बोलोगे आप। आपको पता है कोयला मंत्रालय, आपको पता है होली का जब दहन करते हैं हम, तो होली का दहन करने के बाद में जो लकड़ियां हैं वो जल जाती है, और लकड़ियां जल के क्या रह जाती है, कोयला रह जाती है, और कोयला बनने के बाद में उस कोयला में से क्या निकलता है, प्रहलाद निकलता है, होली का दहन के बाद में प्रहलाद निकलता है, तो कोयला बन गया, कोयला बनने के बाद में कौन निकला बाहर, प्रहलाद, तो प्रहलाद जोशी क्या हो गया आपके, कोयला मंत्रालय किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास। इसके बाद में चलते हैं
मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट खेल के अंदर स्किल डेवलपमेंट में स्किल में कौन करता है ज्यादा विकास खेल के अंदर, आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी करता है या फिर हमारे पांडे जी है दोनों हार्दिक पांडे वगैरह। तो आपको यहाँ से कौशल विकास मंत्रालय से आपको सीधा याद रहता है महेंद्र नाथ पांडे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्रिकेट के अंदर जो है ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कौन करता है, आपको बताइए महेंद्र सिंह धोनी या फिर पांडे जी। तो महेंद्र नाथ पांडे जो ये है आपके कौन है, कौशल विकास मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है, ये आपको पता है। अब की बार ही गठित किया गया है 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो पहले मंत्री है वो कौन है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है जो हमारे जोधपुर से सांसद है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना जल शक्ति मंत्रालय जो है वो किसके पास है, गजेंद्र सिंह जी के पास है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है, तो ये भी आपको बताना है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। इसके बाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, राज्य मंत्री कुछ इंपोर्टेंट जो सुर्खियों में है उनकी बात कर रहे हैं हम। ये तो जो अभी हम तक जो पढ़ रहे थे वो थे कैबिनेट मंत्री, जो मोदी जी के कैबिनेट मंत्री थे वो पढ़ रहे थे इतनी देर हम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। तो इसमें आपके जो इंपोर्टेंट दो मंत्रालय है मैं बता रहा हूँ आपको, आयुष मंत्रालय आयुष किसके पास है, श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक के पास क्या है, आयुष मंत्रालय है। आयुष से आपको यहाँ दिख रहा है आयुष YUS, यहाँ आप गौर से देखोगे तो आपको यशो दिख रहा है, यशो। तो आपको यहाँ से आयुष यशो मंत्रालय आपको याद रह जाएगा, यशो नायक। तो किसके पास है, श्रीपद यशो नायक के पास है। एक बचता है आपके खेल मंत्रालय किसके पास है, किरण रिजिजू के पास है। ये खेल मंत्रालय किरण रिजिजू पास। तो आपको ये इंपोर्टेंट कुछ मंत्रालय दे रखे हैं, आपको अच्छी तरीके से याद करना है दोस्तों। और ट्रिक के साथ आप याद करोगे तो वादा है आप कभी भूलोगे नहीं, आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो आप एक बार फिर वापस देखते हैं हम कि परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष जो विभाग है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। रक्षा मंत्री राजनाथ, रक्षा कौन करता है, राजा करता है, तो राजनाथ सिंह के पास है। वित्त मंत्री घरों के अंदर आपके लेन देन कौन करता है, तो फिर यहाँ से सीधा आपको याद आ जाएगा निर्मला सीतारमण। या इसको आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो कि अभी हाल ही के अंदर रामायण चल रही है, तो रामायण के अंदर प्रत्येक घर के अंदर एक औरत पहुंच रही है, वो कौन है, सीता है। तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा कि वित्त मंत्री जो है वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। इसके बाद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। तो गाड़ी और कार से आपको याद रह जाएगा कौन है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर या फिर भगवान शंकर जो है, कहाँ, विदेश में रहते हैं, नेपाल में कैलाश पर्वत है तो वहाँ रहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रह जाएगा कि जो विदेश मंत्री है वो कौन है, जयशंकर है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। इसके बाद में स्वास्थ्य वर्धन से आपको याद आ जाएगा, हर्षवर्धन याद आ जाएगा आपको। स्वास्थ्यवर्धन परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। इसके बाद उपभोक्ता मामला मंत्रालय की बात करते हैं तो रामविलास पासवान के पास है। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर। कानून एवं न्याय मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास है। और मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास है, यही शिक्षा मंत्री है। और जनजाति मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। और पर्यावरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको याद आ जाएगी, पर्यावरण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है, पर्यावरण मंत्री है। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल, यहाँ से आपको गोयल शब्द याद रखना है, गो रेल आपको क्या याद आ जाएगा, पीयूष गोयल। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी, होलिका दहन के बाद के अंदर कोयला बन जाता है लकड़ी का और कोयला में शिकार निकलता है प्रहलाद, तो आपको याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। कौशल विकास मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे है। और इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है और ये अभी 2019 में ही गठित किया गया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। राज्य मंत्री है दो, आयुष और खेल मंत्रालय। तो दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट जो COVID-19 के कारण सुर्खियों में रहे हैं मंत्रालय, इनके बारे में हमने चर्चा की, आप अच्छी तरीके से इनको याद करें और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको याद भी हो गए होंगे। और आगे हम बाद में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।